ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में बीते दिनों भरतपुर जिले के धिलावटी क्षेत्र में भाजपा सांसद रंजीता कोहली पर हुए तथा कथित हमले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गहलोत सरकार पर लगाए गए आरोपों के जवाब में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने न सिर्फ रंजीता कोहली के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए बल्कि यह भी दावा किया कि रंजीता कोहली पर हमला अलीगढ़ के एक भाजपा सांसद ने करवाया है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने लेटर पैड पर बयान जारी कर सांसद रंजीता कोहली से पूछा है कि आपको किस कानून और किस धारा के तहत वाहन चेक करने का अधिकार है? क्या आपको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा इसलिए मिली है कि आप इसका दुरुपयोग करें? मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आरोपों के बाद सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले की घटना किसी फिल्मी कहानी से प्रतीत होने लगी है। आपको बता दें, बीते दिनों भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोहली ने खुद पर तथाकथित खनन माफियाओं के हमले को लेकर पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया था। सांसद कोहली ने आरोप लगाया था कि जिले के पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट देकर उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं। यही नहीं, सांसद रंजीता कोहली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने व फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी कर दी थी। सांसद रंजीता कोहली ने यह भी कहा कि जहां जहां अवैध खनन हो रहा है उसके पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अब सांसद रंजीता कोहली के आरोपों पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने लेटर पैड पर लिखकर सांसद रंजीता कोहली से गंभीर सवाल किए हैं। विश्वेंद्र सिंह ने पूछा कि आपको कौन से कानून और कौन सी धारा में किसी वाहन को चेक करने का अधिकार प्राप्त है? क्या आपकी ओर से बिना किसी अधिकार से किसी का वाहन रोकना अवैध नहीं है? क्या क्रशर से निकलने वाली गट्टी, डस्ट के डंपर जिनके पास वैध रवाना थे वो अवैध है? मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि यह सही है कि ओवरलोड वाहन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, परंतु क्या ओवरलोड वाहन और अवैध खनन एक ही बात है? कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से जारी पत्र में आगे सवाल पूछा गया कि सांसद ये बताए कि आपने और आपके पीए ने क्यों जबरदस्ती और बिना किसी अधिकार के ट्रकों के सामने और पीछे अपने वाहन लगाए? क्या आपको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा इसलिए दी गई है कि आप सुरक्षा कर्मियों का दुरुपयोग करें? जब सांसद खुद कह रही है कि वह वाहन से पहले ही उतर चुकी थी, तो फिर पत्थर मारकर उन पर हमला कैसे हुआ? मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सांसद रंजीता कोहली के पीए के इस कदम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रक वालों ने आपके पीए के अवैध रूप से आगे पीछे गाड़ियां लगाकर रास्ता जाम करने और एक खलासी को बंधक बनाने के कारण खाली वाहन पर पत्थर मारे। यह आप पर हमला नहीं, आपके पीए की बेवकूफी का नतीजा है। यही नहीं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने हमले की घटना पर ही सवाल खड़ा करते हुए लिखा कि यदि आपकी नीयत साफ है तो क्यों नहीं आप प्रशासन को साथ लेकर जाती है? आखिर अकेले जाकर हर बार हमले की कहानी बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है? यह चौथी बार है जब आप पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए आगे बताया कि राजस्थान पुलिस ने आपकी कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। विश्वेंद्र सिंह ने आगे रंजीता कोहली पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा? आपके भाई ने अभी कुछ दिन पहले एक हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला कर दिया था। भाजपा सांसद रंजीता कोहली पर हमला जारी रखते हुए मंत्री विश्वेंद्र ने आगे कहा कि आप सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा मांग रही है, उस मुख्यमंत्री से जिसने ब्रज के पवित्र पर्वतों की रक्षा के लिए यहां वैध खनन भी बंद करवा दिया। अगर आपको इस्तीफा मांगना है तो अलीगढ़ के आपकी पार्टी के सांसद से मांगिए, जिनकी दो गाड़ियां आपने उस रात पकड़ी जिसके ड्राइवर खलासी ने आपके खाली वाहन पर पत्थर मारे थे, वो भी अलीगढ़ से भाजपा सांसद के ट्रक ही थे। यह तो चिंता की बात है कि आखिर आपके पार्टी के सांसद आप पर हमला क्यों करवा रहे हैं? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।